श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका बोटनी का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। और इस पेपर में आप लोगों ने जाना है कि प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे क्रोमोजोमल एबिरेशन के बारे में, गुणसूत्र विपथन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आपने जाना है गुणसूत्र विपथन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। साथ ही आपने देखा है कि हम बात कर रहे थे आपका जो संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन है, न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने कहा यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यूप्लॉइडी के अंदर आप लोगों ने कहा है कि ये हमें तीन प्रकार से देखने को मिलता है, हेप्लॉइडी, डिप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, जिसकी हमने प्रीवियस वीडियो में बातें की है। तो इस पॉलीप्लॉइडी में आपने कहा एक तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है, जिसमें एक ही प्रजाति के जीन, जो एक से अधिक जीनोम के सेट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण से ये आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के अंदर आपने कहा कि जो दूसरे प्रकार की पॉलीप्लॉइडी घटना है, जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं, ओलो पॉलीप्लॉइडी। पर बहुगुणिता के नाम से आप लोग इसे दर्शा रहे थे। आप देखेंगे कि जब किसी स्पीशीज के अंदर दो से अधिक भिन्न जीनोम आप लोगों को उपस्थित देखने को मिलते हैं, तो वो घटना आप लोगों की क्या कहलाती है, ओलो पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानी जाती है। यानी कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसी भी स्पीशीज के अंदर दो से अधिक भिन्न जीनोम जो है वो प्रेजेंट हो, तो वो घटना आप लोगों की क्या कहलाएगी, ओलो पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानी जाएगी। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये दो से अधिक भिन्न जीनोम जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, निकोटियाना। आप लोग देखेंगे कि निकोटियाना ग्लूटिनोसा का एक तो एग्जाम्पल लिया गया है, निकोटियाना ग्लूटिनोसा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2n बराबर क्रोमोजोम्स की संख्या जो आप लोगों को देखने को मिल रही है वो 2n बराबर 24 और एक ली गई है निकोटियाना की दूसरी स्पीसीज निकोटियाना टोबेकम, जिसमें 2n बराबर 48 क्रोमोजोम्स जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग देखेंगे कि इन दोनों प्रजातियों का हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवा दिया, इसके परिणाम स्वरूप आपकी एक नई प्रजाति का फॉर्मेशन हो रहा है, F1 प्रोजेनी जो है वो आप लोगों की बन रही है। किस प्रकार से बनेगी आप लोग देखेंगे कि इसके हाफ क्रोमोजोम यहां से आएंगे और इसके हाफ क्रोमोजोम जो है वो यहां से आएंगे, और टोटल आप लोग देखेंगे कि यहां पर आप लोगों को क्रोमोजोम का जो पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। 2n बराबर आप लोग देखेंगे 24 प्लस 12 36 पैटर्न जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक स्टेप काम में ली जाती है, जिसे आप लोग बोलते हैं क्रोमोजोम डबलिंग। क्रोमोजोम की डबलिंग जो है वो कर दी जाती है, और ये जो क्रोमोजोम की डबलिंग की जाती है आप लोग देखेंगे कि एक प्रकार का कंटेंट काम में लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोल्चिसिन जो है वो काम में ली जाती है। कोल्चिसिन जो है वो क्या कर देता है, क्रोमोजोम का डबलिंग कर देता है, और इस क्रोमोजोम की डबलिंग के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्रोमोजोम्स की संख्या 2n बराबर 72 का फॉर्मेशन हो जाता है और नई प्रोजेनी का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिसे आप लोग कहेंगे निकोटियाना डाई ग्लूटिनोसा या डाइग्लूटा। निकोटियाना डाइग्लूटा या निकोटियाना डाइग्लूटिनोसा जो है
वो फॉर्म हो रही है, और क्रोमोजोम की संख्या आप लोग देख रहे हैं कि आपको इस पैटर्न के अंदर जो है क्रोमोजोम आप लोगों को मोस्टली देखने को मिल रहे हैं। तो आपने कहा है कि यहाँ पर दो अलग प्रजातियों के जीनोम प्रेजेंट है, इस प्रजाति के अंदर इसके भी क्रोमोजोम प्रेजेंट है, इसके भी क्रोमोजोम जो है वो प्रेजेंट है, इनकी डबलिंग कर दी, तो ये फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो ओलो पॉलीप्लोइडी के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि निकोटियाना डाइग्लूटा या डाइग्लूटिनोसा का जो फॉर्मेशन किया जा रहा है वो किन दो प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग के द्वारा किया जा रहा है, निकोटियाना ग्लूटिनोसा और निकोटियाना टोबेकम के थ्रू आप लोगों का ये फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्रोमोजोम की डबलिंग की जाती है, गुणसूत्रों का द्विगुणन जो है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कौन सा जो कंटेंट काम में आता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कोल्चिसिन जो है वो काम में आती है, और इस कोल्चिसिन से ही आप लोगों को ध्यान में रखना है, कोल्चिसिन प्राप्त की जाती है एक प्लांट से जिसे आप लोग बोलते हैं कोल्चिकम ओटमनेल, ये एक प्लांट है कोल्चिकम ओटमनेल, इस कोल्चिकम ओटमनेल प्लांट से क्या प्राप्त किया जाता है, कोल्चिसिन जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो आपने जाना कि ओलो पॉलीप्लोइडी के अंदर आपने कहा एक ही प्रजाति के अंदर गुणसूत्रों के दो से अधिक समूचे या दो से अधिक जीनोम की प्रतियां आप लोगों को देखने को मिल रही है। आप लोग देख रहे हैं इसके भी जीनोम प्रेजेंट है, इसके भी जीनोम प्रेजेंट है, और इस प्रजाति का प्रादुर्भाव आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये घटना आप लोगों की क्या कहलाती है, ओलो पॉलीप्लोइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, और मोस्टली प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इस प्रकार के यूजेज जो है मोस्टली किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोजेनिया बनती है उनके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो इंक्रीजमेंट है वैरायटी के अंदर वो सारे के सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये तो निकोटियाना से रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं कि गेहूँ की प्रजाति के अंदर ओलो पॉलीप्लोइडी का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है, इसका निर्धारण जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। देखिएगा गेहूं के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, तो गेहूं की एक प्रजाति है ट्रिटिकम मोनोकोकम, क्रोमोजोम है यहां पर 2n बराबर 14 क्रोमोजोम की संख्या आप लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरी स्पीसीज आप काम में ले रहे हैं ट्रिटिकम की अनडिफाइंड स्पीसीज है, इसमें क्रोमोजोम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं 2n बराबर, ये क्रोमोजोम का पैटर्न जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिल रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करवा दिया गया, और क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसका एक जीनोम आ गया, एक जीनोम इसका आ गया, और गुणसूत्रों की संख्या हो गई 2n बराबर कितने आ गए 14 क्रोमोजोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7 क्रोमोजोम यहाँ से आ रहे हैं और 7 क्रोमोजोम जो है वहाँ से आ रहे हैं, तो ये पैटर्न जो है वो आप लोगों का मोस्टली जो है वो तैयार कर दिया गया। अब इस पॉलीप्लोइडी की घटना के अंदर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या यूज किया जाता है, तो आपने कहा यहाँ पर किया जाता है क्रोमोजोम का डबलिंग प्रोसेस, और क्रोमोजोम की डबलिंग किसके द्वारा की जाती है, तो आपने कहा कि वही हम काम में लेंगे कोल्चिसिन जो है वो काम में लेंगे, और कोल्चिसिन काम में लिया आप लोगों ने तो आप लोग देखेंगे कि क्रोमोजोम की डबलिंग किस प्रकार से हो गई, कि भाई ए जो जीनोम है उसकी दो प्रतियां बन गई, बी जीनोम की दो प्रतियां बन गई, और क्रोमोजोम की संख्या जो है वो मोस्टली कितनी हो जाएगी, कि इस बार इसकी डबल सेट जो है वो बन गए तो 2n बराबर 28 क्रोमोजोम जो है वो आप लोगों को इस प्रजाति के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब इस प्रजाति का हम
एक तीसरी प्रजाति ले गेहूं की, उसके साथ में ब्रीडिंग करवाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ये गेहूं की नेक्स्ट प्रजाति है आप लोगों की, ट्रिटिकम टोस्चियाई। ट्रिटिकम टोस्चियाई जो है ये प्रजाति मोस्टली आप लोगों को देखने को मिल रही है, और आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो जीनोम पाए जा रहे हैं वो आपको इस रूप में देखने को मिल रही है, 2n = 14 की संख्या में ये प्रेजेंट है। इनका आपने क्रॉसिंग करवाया और क्रॉसिंग के परिणाम स्वरूप आप लोगों ने देखा कि नई गेहूं की प्रजाति बनी है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, ए बी और डी। कितने क्रोमोजोम आएंगे? इसके हाफ क्रोमोजोम आप यहां पर देखेंगे, इसके हाफ क्रोमोजोम, टोटल कितने आ गए, 2n = 21 क्रोमोजोम जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब फिर से वही काम करेंगे आप लोग, क्रोमोजोम की डबलिंग कराएंगे। आपने कहा क्रोमोजोम की डबलिंग कर दी फिर से, और यह भी डबलिंग किसके द्वारा करवाई गई है, तो आपने कहा कि यह सारा का सारा काम किया गया है कोल्चिसिन के थ्रू। कोल्चिसिन के थ्रू जब डबलिंग करवाई तो आपने कहा इस जीनोम की दो प्रतियां, इस जीनोम की दो प्रतियां और इस जीनोम की दो प्रतियां, तो 2n = कितने हो गए क्रोमोजोम की संख्या, 42 जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप लोग देखेंगे कि जो ईडिएबल जो गेहूं है या ईडिएबल जो ट्रिटिकम है उसके अंदर गुणसूत्रों का पैटर्न जो है वो आप लोगों को ये देखने को मिलता है। और साथ ही आप लोग देखेंगे कि ये जो है किस चीज़ को शो करता है, हेक्जा प्लोइडी को प्रदर्शित करने का काम करता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं गुणसूत्र के कितने सेट प्रेजेंट है, 2, 4 और 6, 6 सेट जो है जीनोम के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और 6 सेट जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग प्रजाति से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ट्रिटिकम मोनोकोकम से ये आ रहा है, ट्रिटिकम की अनडिफाइंड स्पीसीज से ये आ रहा है, और ट्रिटिकम टोस्चिया की जो स्पीसीज है उससे ये सेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपने कहा कि जब किसी प्रजाति के अंदर 2 से अधिक भिन्न जीनोम आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो वो आप लोगों का क्या होता है, ओलो पॉलीप्लोइडी को प्रदर्शित करने का काम करता है। ओलो पॉलीप्लोइडी क्या होता है ये आप इस ट्रिटिकम के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग किस प्रकार से की जाती है उसके माध्यम से आप लोग समझ पाए होंगे कि भाई हमने गेहूं की ईडिएबल प्रजाति का निर्माण किया है। ये जो ईडिएबल प्रजाति है आप लोगों ने देखा वो किसके परिणाम स्वरूप बनती है, भाई एक आपकी जो वाइल्ड स्पीसीज है जिसको हम लोग कह रहे हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम, इसका हमने किसी अनडिफाइंड स्पीसीज के साथ में, ट्रिटिकम की ही अनडिफाइंड स्पीसीज है उसके साथ में क्रॉसिंग करवाया, ये पैटर्न आया। फिर आप इसका टोस्चियाई के साथ में क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आपका एक पॉपुलर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो किया जाता है आप लोगों का, क्वेश्चन ये होता है कि जो ईडिएबल गेहूं होता है या खाने योग्य जो गेहूं होते हैं वो किस प्रकार की पॉलीप्लोइडी को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, तो आप लोगों के सामने आंसर है क्या प्रदर्शित करता है, ये हेक्साप्लोइडी को प्रदर्शित करता है। हेक्साप्लोइडी को क्यों प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर इस जीनोम के 2 सेट है, इस जीनोम के 2 सेट है और इस जीनोम के 2 सेट है, तो इस प्रकार से ये आप लोगों को मोस्टली जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो यूप्लोइडी के अंदर जो भी भाग आप लोगों ने देखे हैं, हेप्लोइडी है, डिप्लोइडी है, पॉलीप्लोइडी है, वो सारा मैटर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन के अंदर। अब न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन के अंदर ही आपने कहा है कि हमें यहाँ पर दूसरे प्रकार का भी न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है जिसे आप लोग कहेंगे एन्यूप्लोइडी के रूप में। अब ये एन्यूप्लोइडी क्या होती है, कौन कौन से प्रकार की होती है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं।
देखिएगा हम बात कर रहे हैं एन्यूप्लोइडी, असुगुणिता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि किसी भी जीव के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र के समूचे में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कोई कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस घटना को आप लोग क्या कहते हैं, एन्यूप्लोइडी के नाम से कहते हैं। यानी कि द्विगुणित गुणसूत्रों के समूचे में कोई क्रोमोजोम या तो कम होगा या क्रोमोजोम की अधिकता आप लोगों को देखने को मिले तो वो घटना आप लोगों की क्या कहलाती है, एन्यूप्लोइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इस घटना के अंदर जीनोम के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, जबकि सोमेटिक क्रोमोजोम्स की जो संख्या होती है उसके अंदर कमी या वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और आप लोग देखेंगे कि ये जो एन्यूप्लोइडी होती है ये मोस्टली आपको दो प्रकार की देखने को मिलती है, एक तो हाइपोप्लोइडी और एक होता है हाइपरप्लोइडी। हाइपोप्लोइडी और हाइपरप्लोइडी। अब हाइपोप्लोइडी जो होती है इसका फिर से कैटेगराइजेशन किया गया है, आप लोगों को ये फिर से देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, एक तो होती है मोनोसोमिक कंडीशन, एक होती है नली सोमिक कंडीशन। इस चीज़ को आप शो करते हैं 2N-1, इसको शो करते हैं 2N-2। फिर आप कहें हाइपरप्लोइडी ये आपको फिर से देखने को मिलती है दो रूपों में, ट्राइसोमिक 2N+1 और टेट्रासोमिक 2N+2। इस रूप में ये आप लोगों को मोस्टली जो है देखने को मिलता है। तो हम कहें कि एन्यूप्लोइडी आपने कहा द्विगुणित गुणसूत्र के समूचे में एक या अधिक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि आप लोगों को देखने को मिलती है, वो घटना क्या है आपकी, एन्यूप्लोइडी के रूप में जानी जाती है। आपने कहा कि द्विगुणित गुणसूत्र के समूचे में अगर एक या अधिक गुणसूत्र की कमी हो रही है तो वो घटना तो क्या है आपकी, हाइपोप्लोइडी। अब आप लोग देख रहे हैं हाइपोप्लोइडी को हमने फिर से डिफाइन किया है दो भागों में, मोनोसोमिक यानी कि यहां पर एक गुणसूत्र की कमी हुई है, नलिसोमिक दो गुणसूत्र की कमी हुई है। यहां पर आपने एक बात भी जानी है, हमने कहा है कि यहां पर जीनोम के अंदर कमी नहीं हो रही, द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में कमी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो 2N पैटर्न जो है वो आप लोग काम में ले रहे हैं। वहीं आपने कहा कि अगर द्विगुणित गुणसूत्र के समूचे में एक या अधिक गुणसूत्र की वृद्धि आप लोगों को देखने को मिले तो वो घटना आपकी क्या है, हाइपरप्लोइडी के नाम से जानी जाती है। और ये हाइपरप्लोइडी आपने कहा ट्राइसोमिक 2N+1 यानी कि एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई, टेट्रासोमिक दो गुणसूत्र की वृद्धि हो गई, तो आपने इसको नॉमिनेट कर दिया 2N+2 के पैटर्न में, ये सारे के सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है एन्यूप्लोइडी क्या होती है, एन्यूप्लोइडी जो है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, हाइपोप्लोइडी या हाइपरप्लोइडी। हाइपोप्लोइडी हम किसे कह रहे हैं, गुणसूत्रों की कमी हो रही है, किस रूप में हो रही है, एक कम हो रहा है तो मोनोसोमी, दो कम हो रहे हैं तो नलिसोमी, और गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो हाइपरप्लोइडी घटना है, एक की वृद्धि हो रही है तो ट्राइसोमिक, दो की वृद्धि हो रही है तो टेट्रासोमिक रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि मोनोसोमिक का निर्माण किस प्रकार से होता है, गुणसूत्रों की ये कमी जो है वो किस प्रकार से हमें दृष्टिगोचर होती है, ये सारे के सारे मोनोसोमिक, नलिसोमिक, ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक, इनको एक एक करके हम डेप्थ में देखेंगे कि इनके अंदर क्या कुछ पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, गुणसूत्रों में ये कमी जो है वो किस कारण से आप लोगों को देखने को मिल रही है, वो सारा का सारा हम जिक्र करेंगे, जिनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।